अगर आपसे कोई कहे कि 100 रुपए में आप 55 से 60 किलोमीटर आराम से घूम सकते हैं, वो भी एक स्कूटर पे, तो क्या आप मानेंगे? सो यस गाइस, दिस इज पॉसिबल विद दिस स्कूटर। ये है एक यमहा की बेहतरीन स्कूटर जो कि फ्यूल फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, जिसका नाम है सिग्नस रे जडार 125। एंड अगर किसी का सिविल स्कोर अच्छा है तो वो 20 से 25 हजार रुपए दे करके इसको EMI पे भी अपने घर ले जा सकता है। इस स्कूटर का इंजन E20 फ्रेंडली भी है। कोई बता सकता है E20 का मतलब कमेंट्स में? बाकी जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को वीडियो के मिडिल में पता चल जाएगा। सो आपकी जानकारी के लिए बता क्योंकि इस वीडियो में इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, फीचर्स को देखते हुए प्राइसिंग क्या रहने वाली है, एंड लास्ट में इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स के बारे में भी अपन लोग बात करेंगे। सो आप अगर इसको परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हो जाता है। सो इस पे आपका एक इंपॉर्टेंट लाइक तो बनता है। सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कुछ इस तरीके की 2 नॉर्मल कीज कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके ऊपर में यामाहा का लोगो मिलता है। इसकी फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके की रखी गई है जो कि देखने में काफी फंकी एंड मॉडर्न लुक देती है, एंड हल्का सा इसमें जो है रोबोटिक लुक भी देखने को मिलता है। इसके ऊपर में छोटी ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड मिल जाती है। इसके साइड में आप पर कार्बन फाइबर डिजाइनिंग के ऊपर में वाई शेप का DRL दिया गया है, जो नाइट में जलने पर काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, एंड ये यामाहा को रिप्रेजेंट करता है। इसमें यहाँ पर फुल्ली फ्लेक्सिबल हैलोजन बल्ब इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इसमें कंपनी LED इंडिकेटर्स भी दे सकती थी, बाकी वाइजर इसमें यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ ही दिया गया है। इसके हैंड प्रोटेक्शन के लिए इसमें यहाँ पर नकल गार्ड भी दिया गया है, जो सेफ्टी को तो एनहांस करता ही है, साथ ही साथ इसके लुक को भी और ज्यादा एनहांस कर देता है। इसके वाइजर पे DRL एंड काफी सारे डिजाइन भी दिए गए हैं, बट इन द अदर हैंड इसका अपरेंट काफी सिंपल एंड सोबर रखा गया है। इसके ऊपर में बस एक एरोडायनेमिक डिजाइन एंड एक यहाँ पर नंबर प्लेट होल्डर ही दिया गया, जो काफी देखने में सोबर लगता है। यहाँ पर एक ब्लैक स्ट्राइप भी दी गई है जो इसके लुक को और भी ज्यादा एनहांस कर देती है। इसमें साइड पैनल्स भी फाइबर बॉडी के मिलते हैं, जिसके ऊपर में स्ट्रीट रेली व्हाइट कलर से एंड यहाँ पर ऑरेंज कलर से यामाहा के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इसका ये वाला पार्ट काफी ग्लॉसी एंड एजी रखा गया है, जो इसके लुक को और भी ज्यादा एनहांस कर देता है। यहाँ पर एक जो है मेटल की प्लेट दी गई है, जो खास करके वुमेन्स के लिए दी गई है, क्योंकि वो कभी कदार जो है खड़े खड़े ही इधर से उधर बाइक को गिरा देती हैं। सो स्क्रैच प्रोटेक्शन के लिए ये चीज मुझे काफी सही लगी। आपकी क्या राय है कमेंट्स में आप बता सकते हैं। इसमें यहाँ पर स्प्लिट LED हेडलाइट सेटअप दिया गया है, जो सिटी में तो काफी अच्छी खासी विजिबिलिटी प्रोड्यूस कर देता है, बट इसको अगर कहीं बाहर लेके जाना हो तो उस कंडीशन में आपको अलग से लाइट लगवाने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि इसका जो हाई बीम है उतनी ज्यादा दूर तक फोकस नहीं करता है। सो मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं। इसमें यहाँ पर फाइबर बॉडी का है इसका मड गार्ड दिया गया है, जो कि ये मेटल का देना चाहिए था, क्योंकि हल्का सा भी कहीं लड़ने पर एक्सीडेंट होने पर ये सबसे पहले जाते हैं, या तो फिर इसके ऊपर में आप अलग से गार्ड वगैरह जो आते हैं वो भी लगवा सकते हैं। इसके सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक्स दिए गए हैं, जो कि ठीक ठाक क्वालिटी के हैं। ये राइडर की राइड क्वालिटी को भी काफी सुपीरियर बनाने वाले हैं। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 190mm की डिस्क प्लेट के साथ डिस्क ब्रेक दिया गया है, जिसमें गुड क्वालिटी कैलिपर मिलता है। इसमें 304mm के गोल्डन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। टायर्स 90x90/11 सेगमेंट के मिलते हैं, जो कि ट्यूबलेस रहने वाले हैं, एंड ये रेडियल्स हैं तो काफी लंबे समय तक भी चलेंगे। इसके फ्रंट के मुकाबले इसका रियर टायर एंड अलॉय साइज थोड़ा सा छोटा है। इसके रियर में 295mm का अलॉय व्हील दिया गया है, वही फ्रंट में 305mm का है। इसके रियर में जो है 100x90/10 सेगमेंट का मिलता है, वही फ्रंट में 90x90/11 सेगमेंट का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए रियर में ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। इसके रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो रियर में यूनिट स्विंग्स दिए गए हैं, जो कि एक प्रीमियम सस्पेंशन है, एंड ये राइडर की राइड क्वालिटी को काफी हद तक स्मूथ बनाने में भी कैपेबल है। इसकी रियर प्रोफाइल कुछ इस तरीके की मिलने वाली है, जिसपे यहाँ पर हैलोजन बल्ब टेल लाइट दी गई है, जो नाइट में जलने पर कुछ इस तरीके का लुक देती है। टेल लाइट के जस्ट नीचे में यहाँ पर इसका बैक रिफ्लेक्टर दिया गया है। यहाँ एक नीचे लैंप भी दिया गया है, जिसके नीचे यहाँ इसकी नंबर प्लेट रहने वाली है। इसके साइड रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, एंड इसके रियर में भी फुल्ली फ्लेक्सिबल हैलोजन बल्ब इंडिकेटर्स ही मिलते हैं। इसके इंजन की बात की जाए तो इसमें 125cc का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि SOHC टाइप रहने वाला है। इसमें पर सिलेंडर 4 स्ट्रोक्स एंड 2 वाल्व मिलते हैं। इसमें एक सिंगल सिलेंडर मिलता है। वही अगर पावर की बात की जाए तो 8.2 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 6500 RPM पर, जिसकी हेल्प से ये करीब 90 की टॉप स्पीड तक पहुंच जाती है। वही इसमें 10.3 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है एट 5000 RPM पर, जिसकी हेल्प से ये 0-60 मात्र 8 से 9 सेकंड में ही पहुंचा देती है। इसमें सेल्फ स्टार्ट के साथ ही साथ किक स्टार्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, जो बैटरी डाउन होने पर काफी हेल्प में आने वाला है। इसमें मेन स्टैंड कंपनी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ इसके साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ सेंसर भी दिया गया है। याद रखिएगा, जब तक ये स्टैंड लगी नहीं होगी तब तक ये स्कूटर स्टार्ट नहीं होने वाला है। इसमें थोड़ा सा न्यू डिजाइन के साथ ही का एग्जॉस्ट भी दिया गया है। इसके ऊपर में जो हीट प्रोटेक्शन लेयर है वो फाइबर बॉडी की मिलती है, जिसपे यहाँ पर यामाहा की ब्रांडिंग दी गई है, एंड इस पर और भी कई सारे डिजाइन दिए गए हैं, जो इसकी साइड प्रोफाइल को काफी ज्यादा इनहांस कर देते हैं। इसका एग्जॉस्ट नोट भी मैं आपको सुना देता हूँ, एंड यूज हेडफोन फॉर द बेटर साउंड एक्सपीरियंस।
इसके इंजन को ठंडा रखने के लिए यहाँ पर इसका फैन दिया गया है। इसमें फोल्डेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं प्रीमियम क्वालिटी के। यहाँ पर इसका फ्रंट लगेज दिया गया है जो कि फोल्डेबल है एंड काम हो जाने पर इसको वैसे ही फोल्ड किया जा सकता है। इसके लेग स्पेस एरिया के पास कुछ इस तरीके की डिजाइन दिए गए हैं। इस पे पैर वगैरह तो आराम से आ जाएंगे बट इस पे गैस सिलेंडर एंड जो पानी के बॉटल टैंक्स वगैरह होते हैं वो इस पे नहीं आ पाएंगे। सो वो चीज एक इसका डिसएडवांटेज है बट वो चीज़ तो आप पीछे भी रख सकते हैं। इस पे काफी वाइड सीट मिल जाती है। इसमें 775mm की हाइट के साथ सिंगल स्टेप सीट दी गई है जिसको शॉर्ट हाइट पर्सन भी आराम से हैंडल कर सकते हैं एंड इस पे पिलियन की ग्रिप का भी काफी ध्यान रखा गया है। यहाँ पर पिलियन ग्रिप मिल जाती है। इसमें बूट स्पेस एरिया भी काफी अच्छा खासा मिलता है। साथ ही इसमें एक रिंच एंड एक स्क्रू ड्राइवर भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलती है। इसमें करीब 18 से 20 लीटर के पास अंडर स्टोरेज सीट मिलती है जिसपे आप डॉक्यूमेंट्स एंड हाफ हेलमेट वगैरह भी इसमें आराम से आ जाएगा। साथ ही इसमें एक फर्स्ट एड किट भी दिया गया है जिसमें क्या है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड यहाँ पे इसकी फ्यूल कैप दी गई है जिसके ऊपर में E20 की ब्रांडिंग मिलती है। E20 का मतलब ये है कि अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल एंड 80% मोटर गैसोनील फ्यूल रहेगा। पहले एथेनॉल 10% था, अब 20% रहेगा जिससे कि इसकी इंजन परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी एंड हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल्स को ये रिड्यूस करेगा जिससे कि पॉल्यूशन कम होगा प्लस इंजन की लाइफ भी बढ़ जाएगी। इसके बॉडी पैनल्स डुअल टोन फिनिशिंग के साथ मिलते हैं, जैसे यहाँ पर ब्लैक ग्लॉसी एंड यहाँ पर मैट ग्रे फिनिशिंग है। साथ ही इसमें भर भर के स्टिकर एंड ग्राफिक्स भी मिलते हैं जो इसके लुक में चार चांद लगा देते हैं। इस पे यहाँ पर सिग्नस रे जेडार 125 के स्टिकर मिलते हैं व्हाइट येलो एंड ब्लैक कलर के साथ। साथ ही इसमें जो है 3D डिजाइन एंड यहाँ पर फिंस टाइप के डिजाइन भी दिए गए हैं जो इसकी साइड प्रोफाइल को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जो ऑन होने पर कुछ ऐसा इंटरफेस देता है। इसके साइड में सारी इंडिकेशन लाइट्स मिलती है। साथ ही इसमें ब्लूटूथ, SMS, कॉल अलर्ट, फोन बैटरी चेक वगैरह के ऑप्शंस भी देख सकते हैं। इसमें स्पीडोमीटर अनलॉक दिया गया है, बाकी फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर सब डिजिटल मिलता है। साथ ही इसमें लो फ्यूल इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इंडिकेटर भी मिलता है। स्विचेस वही नॉर्मल से ही दिए गए हैं, बाकी राइट साइड में आइडियल स्टार्ट स्टॉप का नया स्विच मिलता है। सो ये तो होगी इसकी स्पेसिफिकेशंस। बाकी प्राइसिंग की बात की जाए तो लखनऊ की स्टार्टिंग प्राइस है 104,000 इसकी सबसे बेस वेरियंट की, बाकी टॉप वेरियंट की 117,000 के आसपास पड़ती है। एंड इसमें कई सारे कलर ऑप्शन एंड कई सारे वेरियंट्स भी मिलते हैं। इसमें ड्रम एंड डिस्क वेरियंट मिला के करीब 6-7 कलर ऑप्शन मिलते हैं, लाइक मेटालिक ब्लैक, मैट ब्लैक, लाइट ग्रे, वर्मिलियन, मैट रेड, डार्क मैट ब्लू, शाइन ब्लू, मैट कॉपर जैसे ब्यूटीफुल कलर्स मिलते हैं। बाकी शोरूम में डार्क ब्लू डिस्क, मैट रेड ड्रम, शाइन ब्लू डिस्क एंड मैट ब्लैक जैसे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड अगर कोई भी और क्वेरी हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में शोरूम की डिटेल्स हैं तो वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल पे फसिनो 125 की वीडियो पड़ी है जिसकी ऑन रोड प्राइस करीब 112,000 के आसपास है एंड एरियोक्स 155 की वीडियो भी पड़ी हुई है जिसकी ऑन रोड प्राइस करीब 177,000 रुपए के आसपास है। इन दोनों के फीचर्स वगैरह कंपेयर करके आप इनके साथ भी जा सकते हैं। सो अब बात करेंगे इसके मेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले इसके नेगेटिव्स की बात की जाए तो अगर इसके फीचर्स को देखें तो यमाहा सिग्नस रे जेडार 125 उतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं लगी क्योंकि इसमें ब्लूटूथ मिलता है, साथ ही SMS कॉल अलर्ट वगैरह का ऑप्शन भी दिया गया है, बट वहीं दूसरी तरफ टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं मिलता है एंड इसमें USB भी एज अ ऑप्शन दिया गया है। दूसरा कौन है इसका फ्यूल फिलर, बोले तो टैंक, वो भी छोटा है 5.2 लीटर ओनली, कम से कम 8 लीटर का तो देते और बाहर भी नहीं है, पहले सीट ओपन करो एंड देन यू गो एंड गेट द फ्यूल फिल्ड। तीसरी चीज है इसका फ्लोर बोर्ड, वो भी थोड़ा सा छोटा है। स्कूटी एज अ हाउस होल्ड वर्क के लिए भी यूज की जाती है तो फ्लोर बोर्ड छोटा होने के कारण वहां पर भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जस्ट लाइक सिलेंडर इस पे नहीं आ पाएगा, गेहूं आटा चावल वगैरह के लिए स्पेस यहाँ पर थोड़ी सी कम रहने वाली है, सो वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। द फोर्थ थिंग इज इट्स हेडलाइट सेटअप, वो भी इतना ज्यादा कुछ खास लगा नहीं, लो बीम तो ठीक है बट हाई बीम उतनी ज्यादा दूर नहीं जाता है, सिटी पर्पज के लिए तो ठीक है बट बाहर कहीं जाना हो तो अलग से लाइट लगवानी की आवश्यकता पड़ जाती है। इसका हेडलाइट सिस्टम इसके अपरन पे है जिसके कारण टर्न्स पे समटाइम विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट ही फोकस मारता है एंड इसके फोकस को किसी और डायरेक्शन में करना हो तो पूरी स्कूटी टर्न करनी पड़ती है। वहीं अगर ये चीज इसके हैंडल बार पे होती तो इसके फोकस को आराम से किसी भी डायरेक्शन में किया जा सकता था। सो ये तो हो गए इसके नेगेटिव पॉइंट्स। बाकी पॉजिटिव की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका एक्सट्रीम लाइट वेट जिसकी वजह से इसको हैंडल और कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा ईजी है, इसको कोई भी हैंडल कर सकता है। इसमें बहुत ही रिफाइंड एंड रिस्पॉन्सिव इंजन मिलता है जो कि 55 से 60 तक का माइलेज तो आराम से निकाल देगा, बाकी अगर इसको रफली भी चलाया जाए तब भी मिनिमम 45 तक का माइलेज तो ये आराम से निकाल के देगा। इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी काफी पावरफुल है, इसके फ्रंट में डिस्क मिलता है जिसके ब्लॉक्स इसकी स्पीड को मात्र 21 मीटर के अंदर ही 60-0 कर देते हैं। इट्स डिजाइन लैंग्वेज इज क्वाइट रेट्रो जो इसको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है एंड पर्सनली इसका डिजाइन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसके फीचर्स एंड मार्केट में कॉम्पिटिशन को देखते हुए ये स्कूटर बजट फ्रेंडली भी है, सो आप अगर इसके साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी है, परफॉर्मेंस है, कम्फर्ट है, अट्रैक्टिव है, रिस्पॉन्सिव है, साथ ही क्वालिटी भी मिलती है। सो देयर यू हैव इट, द यमा सिग्नस रे जेडार 125। आज के रिव्यू में बस इतना ही, उम्मीद है इस वीडियो के जरिए मैंने आप तक अच्छी खासी जानकारी पहुंचा दी हो। जानकारी अच्छी लगी
लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड बाइक एक्सपर्ट बनना हो तो भाई के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इस तरह की न्यू बाइक इन्फॉर्मेटिव एंड रिव्यू वीडियोस लाता रहता हूं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड सेफ राइड, एंड वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।